नमस्कार प्यारे साथियों, चाणक्य निधि भाग नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, चाणक्य नीति के अगर आप सभी भागों को अच्छे से सुनते, समझते और सीखते हैं तो आप अपने जीवन की काफ़ी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में आप अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज इस अध्याय के जो अनमोल वचन है वो हम सभी मिलकर सुनते हैं। साथियों, निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संतजन पुरुषों को संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। साथियों, सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है। असंख्य तारे यह काम नहीं कर सकते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। ये बातें व्यक्ति को आग के बिना जलाती हैं। असुरक्षित ठिकाना, छोटे कुल के व्यक्ति के पास नौकरी करना, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन, गुस्सेल पत्नी, मूर्ख पुत्र, विधवा पुत्री। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है। उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ है और ना ही भगवान का भक्त हुआ है। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं, पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त। यह बातें एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, लड़की का ब्याह। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो तीन लोग करें, कृषि चार लोग करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही अच्छी पत्नी है जो सूचीपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है, जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्रित होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हो तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ परने नहीं करती तो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्चा करने के सही तरीके आपके ऊर्जा स्रोत हैं। साथियों,
दिव्य अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वो यह जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो प्यारे साथियों, चाणक्य अध्याय भाग नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद इसके अगले अध्याय में हम फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।